अपन यहाँ पर पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है स्कोलियोसिस। अपन ने पहले की वीडियो के अंदर पढ़ा था कि काइफोसिस क्या होता है। ये दोनों अपन को स्पाइन में देखने को मिलता है, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। तो काइफोसिस के अंदर जो एक्सेसिव बैकवर्ड कन्वेक्सिटी अपन को देखने को मिलती है स्पाइन में इस जगह पर। लेकिन स्कोलियोसिस क्या होता है ना, यहाँ पर अपन को साइडवे कर्वेचर देखने को मिलता है स्पाइन के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, काइफोसिस अलग है एंड स्कोलियोसिस अलग है। तो अपन आज पढ़ेंगे यहाँ पर स्कोलियोसिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्कोलियोसिस इज द साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन है इसका साइडवे कर्वेचर अपन को देखने को मिलता है। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं जो पर्सन है उसका पोस्चर पे अपन को इस तरह से देखने को मिलेगा। इस शोल्डर इस तरह से होगा, दोनों अपने एक लाइन में नहीं होंगे शोल्डर्स। उसके बाद अपन देखते हैं स्कोलियोसिस के क्लासिफिकेशन। ओके, तो स्कोलियोसिस के यहाँ पे टू दो क्लासिफिकेशन होते हैं। इसका पहला नाम है नॉन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल। जो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है वो ट्रांजिएंट होता है, एंड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस जो होता है वो परमानेंट होता है। ओके, तो उसके बाद भी इनके कुछ सब टाइप्स होते हैं जो अपन पढ़ेंगे, अपन अब डिटेल्स है। तो नॉन स्ट्रक्चरल का यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, मतलब सब क्लासिफिकेशन है, पोस्टल स्कोलियोसिस, कंपनसेटरी स्कोलियोसिस एंड सियाटिक स्कोलियोसिस, तीन तरीके से है। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के हैं यहाँ पे इडियोपैथिक, कंजेनाइटल स्कोलियोसिस, पैरालाइटिक स्कोलियोसिस एंड अदर पैथोलॉजीज। तो अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर है नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस। तो यहाँ पर इसका मतलब है दिस इज अ मोबाइल और ट्रांजिएंट स्कोलियोसिस। जो नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस होता है वो मोबाइल होता है एंड ट्रांजिएंट स्कोलियोसिस होता है, ठीक है। फिर इसके यहाँ पर तीन सब टाइप्स आते हैं जो कि अपन ने यहाँ पर देखे नाम, पोस्टल, कंपनसेटरी एंड सियाटिक। तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है पोस्टल स्कोलियोसिस। दिस इज द कॉमनेस्ट ओवरऑल टाइप, ऑफ्टन सीन इन एल्डोलेसेंट गर्ल्स। द कर्वेचर इज माइल्ड एंड कॉन्वेक्स यूजली टू द लेफ्ट। द मेन डायग्नोसिस फीचर्स इज डेट द कर्व स्ट्रेंथ कम्प्लीटली वेन द पेशेंट बेंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर पोस्टल स्कोलियोसिस का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट अपन को देखने को मिलता है स्कोलियोसिस के अंदर, और ये अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एल्डोलेसेंट जो गर्ल्स होते हैं ना उसके उनके अंदर। तो इसका जो कर्व होता है ना, पोस्टल स्कोलियोसिस का जो कर्व होता है वो माइल्ड होता है और थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, और जब अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं तो इसका डायग्नोसिस अपन इस तरह से कर सकते हैं कि जब पेशेंट है वो आगे की तरफ बेंड होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो बेंड होगा, तो उसका जो कर्व है ना वो कम्प्लीटली सीधा हो जाएगा, ठीक है। वो सीधा हो जाएगा, अपन को लगेगा कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से अपन इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर वो खड़ा रहेगा तो अपन को माइल्ड एंड कॉन्वेक्स कर्व देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो बेंड होगा अपन को वहाँ पर कोई कर्व देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है पोस्टरल स्कोलियोसिस। उसके बाद यहाँ पर आता है कंपनसेटरी स्कोलियोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इन द टाइप द स्कोलियोसिस इज द कंपनसेटरी फिनोमिना अकरिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द टिल्ट ऑफ द पेल्विस। तो कंपनसेटरी स्कोलियोसिस होता है ना, वो यहाँ पर जो कर्व है ना उसको कंपनसेट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टिल्ट ऑफ द पेल्विस, अगर पेल्विस का टिल्ट है तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जो कंपनसेट स्कोलियोसिस यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर क्या होता है ना, द स्कोलियोसिस इज द कंपनसेटरी फिनोमिना। तो इस जो यहाँ पर जो ये स्कोलियोसिस है वो यहाँ पर कंपनसेटरी फिनोमिना होता है, मतलब वो कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हो जाता है। अकरिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द टिल्ट ऑफ पेल्विस, पेल्विस का टिल्ट को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर कंपनसेटरी स्कोलियोसिस हो जाता है। तो ये कब होता है, इन द हिप डिजीज, अगर किसी भी तरह की हिप डिजीज है तो उसके अंदर इस तरह का कंपनसेटरी स्कोलियोसिस हो सकता है। और फॉर अ शॉर्ट लेग, अगर किसी पर्सन का लेग एक लेग जो है वो छोटा है तो उसको भी उसके पोस्चर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर कंपनसेटरी स्कोलियोसिस हो जाएगा। तो इसको अपन कहते हैं कंपनसेटरी स्कोलियोसिस। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर भी जो कंपनसेटरी स्कोलियोसिस है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, द स्कोलियोसिस डिसअपीयर व्हेन द पेशेंट इज एग्जामिन इन अ सिटिंग पोजिशन और वेन द कॉजेटिव फैक्टर इज रिमूव्ड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब अपन ने पहले वाले के अंदर देखा था पोस्टल स्कोलियोसिस के अंदर, जब पेशेंट आगे की तरफ बेंड कर रहा था तो उसका जो कर्व था वो स्ट्रेट हो रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसा है, जब अपन पेशेंट को एग्जामिन करेंगे सिटिंग पोजिशन के अंदर तो
इन केस द लेग इज शॉर्ट, अगर उस किसी पर्सन का लेग छोटा है, अगर इस केस के अंदर अपन पेशेंट को एग्जामिन करेंगे सिटिंग पोजीशन में, तो वहाँ पर जो स्कोलियोसिस है ना वो डिसअपीयर हो जाएगा, अपन को वहाँ दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पर इसको किसी तरह का स्कोलियोसिस है, मतलब यहाँ पर इसको कंपल्सरी स्कोलियोसिस है। और कब होता है ना ऐसा, वेन द कॉजेटिव फैक्टर इज रिमूव, और जब कॉजेटिव फैक्टर रिमूव हो जाएंगे उस जगह के, तो उस कारण से भी यहाँ पर जो स्कोलियोसिस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इस तरह से अपन इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सियाटिक स्कोलियोसिस। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ यूनिलेटरल पेनफुल स्पाज्म ऑफ द पैरा स्पाइनल मसल्स एस में अकर इन द केस ऑफ प्रोलैप्स इंटर मल्टीपल डिस्क। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो पैरा स्पाइनल जो मसल्स होती है, तो उनमें अगर यूनिलेटरल पेनफुल स्पाज्म के कारण होता है, जैसा कि अपन को प्रोलैप्स इंटरमल्टीपल डिस्क में हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है लिखा हुआ है कि मतलब एक बार समझते हैं, मतलब यहाँ पर पैरास्पाइनल जो मसल्स होती है, अगर वहाँ पर यूनिलेटरल पेनफुल स्पाज्म होता है, तो उस कारण से यहाँ पर सियाटिक स्कोलियोसिस हो जाता है। तो ये अपन को किस केस में देखने को मिल सकता है, ये अपन को प्रोलैप्स इंटरमल्टीपल डिस्क के केस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये तो अपन ने देख लिया तीन इसके सब टाइप्स, किसके, नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड आता है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। ओके, तो यहाँ पर ये जो होता है ना स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है, वो परमानेंट डिफॉर्मिटी बन जाता है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द स्कोलियोसिस विथ अ कंपोनेंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मिटी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर इसके कुछ सब टाइप्स आते हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इडियोपैथिक, सबसे पहले आता है इसका सब टाइप इडियोपैथिक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप होता है, सबसे ज़्यादा अपन को ये देखने को मिलता है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इट मे बिगिन ड्यूरिंग इन्फेंसी चाइल्डहुड एंड एल्डोलेसेंट। तो ये अपन को कभी भी देखने को मिल सकता है, या तो अपन को इन्फेंसी में देखने को मिल सकता है, चाइल्डहुड में देखने को मिल सकता है, या फिर उसके बाद एल्डोलेसेंट के अंदर भी अपन को देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर बात आती है इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस के बारे में। ये कब स्टार्ट होता है, बिगनिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन दैट इट कैन बी रिसॉल्विंग और प्रोग्रेसिव टाइप। तो जो इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस है, ये जो जो बच्चा है मतलब है, तो उसके फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो उसके बाद ये डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ पर ये जो इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस है, वो रिसॉल्विंग भी हो सकता है एंड प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, मतलब उसको दोबारा रिसॉल्व भी कर सकता है और ये आगे प्रोग्रेस भी कर सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कोलियोसिस बिगनिंग लेटर इन लाइफ प्रोग्रेस्ड एज अ वेरिएबल रेट एंड लीड टू एन अगली डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर स्कोलियोसिस लेट लाइफ में स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ये प्रोग्रेस करता है वेरिएबल रेट के साथ, जिससे क्या होता है ना, जो स्कोलियोसिस है वो एक अगले डिफॉर्मिटी के अंदर भी बन सकता है, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो प्रोग्रेस किया उसने वेरिएबल रेट के साथ, और वो अगले डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो गया। ओके, द डिफॉर्मिटी इज मोस्ट ऑब्वियस इन थोरेसिक स्कोलियोसिस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिब हम्प। तो यहाँ पर एक रिब हम्प होता है, जो कि अपन को बैक के अंदर देखने को मिलता है। ओके, किस तरह से देखने को मिलता है, अपन डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर अपन को रिब हम्प देखने को मिलता है, इसको अपन फिर यहाँ पर डायग्नोसिस करते हैं इस तरह से, ये नॉर्मल है और ये अबनॉर्मल है। अपन यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल है, और भी बाद में अपन इसको डायग्नोसिस करेंगे तो अपन को इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि अबनॉर्मल है, इसको अपन कहते हैं रिब हम्प। ओके, थोरेसिक स्कोलियोसिस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिब हम्प, ये डिफॉर्मिटी बन जाती है इन द लंबर रीजन। लंबर रीजन में क्या होगा ना, इवन अ मॉडरेट कर्व गोज अननोटिस बिकॉज इट गेट मार्क्ड बाय द कंपनसेटरी कर्वेचर ऑफ द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर लंबर रीजन के अंदर मॉडरेट कर्व है, तो वो अपन को कभी कभी अननोटिस हो जाता है, अपन उसको ठीक से नोटिस नहीं कर पाते। तो बिकॉज इट गेट मार्क्ड बाय द कंपनसेटरी कर्वेचर ऑफ द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द स्पाइन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसका सेकेंड सब टाइप, जिसका नाम है कंजेनाइटल स्कोलियोसिस। तो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। दिस टाइप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम फॉर्म्स ऑफ टेटोलॉजिकली डिमोन्स्ट्रेबल एनोमली ऑफ द वर्टिबल बॉडीज। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस होता है, वो हमेशा एसोसिएटेड रहता है विथ सम फॉर्म्स ऑफ रेडियोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेबल एनोमली ऑफ द वर्टिबल बॉडी। मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये है
ये है कि रेडियोलॉजिकली रूप से डेमोस्ट्रेट करने वाली वर्टिब्रल बॉडीज की यहाँ पे एनोमलीज। ओके, तो यहाँ पर आता है देर आर हेमी वर्टिब्रल ब्लॉक वर्टिब्रल एंड अनसेगमेंटेड बार। तो यहाँ पे हेमी वर्टिब्रल का मतलब है ओनली वन हाफ ऑफ द वर्टिब्रल ग्रोथ। ओके, ओनली वन हाफ वर्टिब्रल ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे उनकी ग्रोथ हो रही है। ब्लॉक वर्टिब्रा का मतलब है यहाँ पर टू वर्टिब्रल बॉडीज फ्यूज, दो वर्टिब्रल बॉडीज थी वो फ्यूज हो गई है। उसके बाद यहाँ पर है अनसेगमेंटेड बार, इसका मतलब है अ बार ऑफ बोन जॉइंट ज्वाइनिंग टू एडजेसेंट वर्टिब्रा ऑन वन साइड देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑन डेड साइड। तो यहाँ पर है क्या लिखा हुआ है कि टू एडजेसेंट वर्टिब्राज होती है वो ज्वाइन हो जाती है, जिस कारण से वहाँ पर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ डेड साइड, तो वहाँ पर उसकी जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट होने लग जाती है। दिस कर्व गोज ऑफ्टन इन अ वेरी फास्ट रेट, जो ये कर्व होता है ना काफ़ी फास्ट रेट से ग्रो करता है। उसके बाद समटाइम देयर आर एसोसिएटेड एनोमलीज इन द ग्रोथ ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर लीडिंग टू अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इन द लोअर लिम्ब। तो समटाइम्स ये मतलब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है जो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस जो अपन अभी पढ़ रहे हैं वो एसोसिएट होता है, वो एसोसिएटेड होता है विथ एनोमलीज इन द ग्रोथ ऑफ द न्यूरल स्ट्रक्चर, मतलब जो न्यूरल स्ट्रक्चर है इसके अंदर अपन को किसी भी तरह की एनोमलीज देखने को मिलेगी, जिस कारण से यहाँ पर जो लोअर लिम है वहाँ पर अपन को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेंगे, जो कि आगे जाके अपन को मतलब किसी भी तरह का डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पैरालिटिक स्कोलियोसिस, ये इसका थर्ड सब टाइप है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है द अनबैलेंस पैरालिसिस ऑफ द ट्रंक मसल रिजल्ट्स इन पैरालिटिक स्कोलियोसिस ऑफ द स्पाइन। अगर जो अपनी ट्रंक की जो मसल्स है अगर इसके अंदर किसी भी तरह का अनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस पैरालिसिस हो जाता है, तो उस कारण से यहाँ पर अपन को पैरालिटिक स्कोलियोसिस ऑफ द स्पाइन देखने को मिलेगा। तो ये अपन को कब कब हो सकता है, ये पोलियोमेलाइटिस इज द कॉमनेस्ट कॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है तो वहाँ पर क्या होता है जो पोलियोमेलाइटिस है उस कारण से भी अपन को पैरालिटिक स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। और अदर कॉमन कॉज है यहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोपीज। ओके, जिस कारण से अपन को पैरालिटिक स्कोलियोसिस हो सकता है, ये इसके कॉज है पैरालिटिक स्कोलियोसिस के। उसके बाद यहाँ पर आता है कुछ अदर पैथोलॉजीज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देर आर अदर कॉजेस ऑफ स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस सच एज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस विच प्रोड्यूस शार्प काइफो स्कोलियोसिस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ अदर पैथोलॉजिस पे लिखी हुई है कि किस कारण से अपन को स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस हो सकता है। तो उसके यहाँ पर कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ओके, जिस कारण से भी यहाँ पर अपन को स्कोलियोसिस हो सकता है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या होता है ना यहाँ पर को यहाँ पर शार्प काइफो स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। ओके, तो अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था इसके क्लासिफिकेशन कि स्कोलियोसिस के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इसके यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन होते हैं, तो होता है नॉन स्ट्रक्चर, एक होता है स्ट्रक्चर, जिसके भी यहाँ पर तीन थे, पोस्टर स्कोलियोसिस, कंपनसेटरी स्कोलियोसिस, सियाटिक स्कोलियोसिस, इडियोपैथिक, कंजेनाइटल स्कोलियोसिस, पैरालिटिक स्कोलियोसिस एंड अदर पैथोलॉजीज। आपको अब ये नाम से भी याद हो गए होंगे कि किसके अंदर क्या क्या आएगा। ओके, तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बाद इसकी पैथोलॉजी के बारे में। ओके, तो इसके पैथोलॉजी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन पैथोलॉजी इज लेटरल कर्वेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पाइन, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कर्वेचर। तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं कि प्राइमरी कर्वेचर क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्राइमरी कर्वेचर होता है, उसके बाद यहाँ पर ये सेकेंडरी कर्वेचर होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मेन पैथोलॉजी इज लेटरल कर्वेचर ऑफ द पार्ट, तो यहाँ पर लेटरल कर्वेचर हो रहा है स्पाइन का, जिसको यहाँ पर अपन ने प्राइमरी कर्वेचर कहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है द स्पाइन अबव एंड बिलो द प्राइमरी कर्वेचर अंडर गोर कंपनसेटरी कर्वेचर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस आर कॉल्ड एज कंपनसेटरी और सेकेंडरी कर्वेचर। तो जो प्राइमरी कर्वेचर है इसके ऊपर की तरफ, इसके नीचे की तरफ, दोनों की तरफ एक और कर्व बनता है, इसको अपन सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं। तो इसको ये जो होता है ना ये कंपनसेटरी कर्वेचर भी होता है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, प्राइमरी कर्वेचर के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम भी इसी तरह से है, ये तो हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी को अपन ने कंपनसेटरी भी कहा है क्योंकि सब कंपनसेट करने का वर्क करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द लेटरल कर्वेचर इज एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा। तो लेटरल कर्वेचर जो होता है वो एसोसिएटेड होता है विथ रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा। यहाँ पर अपन को रोटेशन देखने को मिल रहा है वर्टिब्रास का, तो ये तो है नॉर्मल वर्टिब्रा
जिसका अपन एपी व्यू देख रहे हैं, मतलब एंटेरियर पोस्टरियल व्यू देख रहे हैं, और ये होता है रोटेशनल रोटेशन वर्टिब्रा। ओके, जिसका भी अपन एपी व्यू देख रहे हैं, तो देख सकते हैं अपन ये इस तरह से नॉर्मल था, सीधा था, लेकिन ये इस तरह से थोड़ा सा रोटेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पर वर्टिब्राज है, फिर से यहाँ पे डिस्क है और ये वर्टिब्रा है, यहाँ पर डिस्क हो गया, उसके बाद यहाँ पे पेडिकल्स है, वर्टिब्राम है, और यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस ही है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से रोटेशन हो गया, यहाँ पर भी तो अपन देख सकते हैं इस तरह से रोटेशन ऑफ वर्टिब्राम। ठीक है, तो इसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं इन कर्व ऑफ थोरेसिक स्पाइन के कर्व में रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा लीड टू प्रोमिनेंस ऑफ द रिब केज ऑन द कॉन्वेक्स साइड गिविंग राइज टू अ रिब हम्प। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो थोरेसिक स्पाइन है जहाँ पर कर्व बन रहा है, तो यहाँ पर जो वर्टिब्राज का रोटेशन हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है ना, जो रिब केज होती है वहाँ पर कॉन्वेक्स साइड अपन को एक रिब हम्प देखने को मिलता है, जो कि अभी डायग्राम में देखते हैं, ये यहाँ पर रिब हम्प है जिसको अपन यहाँ पर डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो ये अपन इस तरह से यहाँ पर बन जाता है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, और ये हो गया अबनॉर्मल वाला, फिर इसको अपन डायग्नोसिस करते हैं कि ये कितना है। ओके, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर अपन जो बेसिक है वो देख रहे हैं, एनी पार्ट ऑफ द थोरेकोल लंबर स्पाइन में भी अफेक्टेड, और यहाँ पर जो थोरेकोल लंबर स्पाइन है वो भी यहाँ पर इफेक्ट होता है जिस कारण से। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग टाइप्स दिए हुए हैं इसके स्कोलियोसिस के, वो है डोर्सल स्कोलियोसिस, डोर्सल लंबर स्कोलियोसिस एंड लंबर स्कोलियोसिस। तो अपन इसको डायग्राम में देखते हैं कि ये एक डायग्राम है, ये नॉर्मल पर्सन की स्पाइन है। ओके, इस तरह से, और उसके बाद ये काइफोसिस है, अपने पहले पे देखा था कि काइफोसिस क्या होता है, ये अपने छोटा सा डायग्राम में देखा था कि ये तो हो गया स्कोलियोसिस और ये हो गया काइफोसिस। तो स्कोलियोसिस तो ये दोनों है जिसके अंदर साइड में कर्वेचर होता है, और काइफोसिस ये है जिसके अंदर यहाँ पे एक्सेसिव बैकवर्ड कन्वेक्सिटी अपन को देखने को मिल रही है। ओके, तो इसके तरह से यहाँ पर एक और होता है, वो होता है लोडोसिस, जिसके अंदर अपन को इस तरह का पोस्टर देखने को मिलता है पर्सन के अंदर, और यहाँ पर फ्लैट फ्लैट बैक भी होती है इस तरह से, यहाँ पे फ्लैट अपन को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ टाइप है, एक तो है डोर्सो स्कोलियोसिस, ये होता है डोर्सो स्कोलियोसिस इस तरह से, और डोर्सो लंबर स्कोलियोसिस भी होता है, इसके अंदर डोर्सल एंड लंबर दोनों आते हैं, और यहाँ पर लंबर स्कोलियोसिस भी होता है जो कि इस तरह से होता है, लंबर स्कोलियोसिस। ओके, तो ये होती है इसकी कुछ पैथोलॉजीज जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया। बाद यहाँ पर आता है इसका डायग्नोसिस, कि जो अपने पास जो पेशेंट है स्कोलियोसिस का, उसका अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्योंकि डायग्नोसिस करने के बाद ही अपन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उसका डायग्नोसिस अपन यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इन मोस्ट केसेस विजिबल डिफॉर्मिटी इज द ओनली सिम्टम्स। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अपन को सिर्फ डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, मतलब अपन डिफॉर्मिटी देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ उसके अंदर कौन सा स्कोलियोसिस है। तो विजिबल डिफॉर्मिटी इज द ओनली सिम्टम, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिम्टम होता है, वो होता है डिफॉर्मिटी। ओके, उसके बाद क्योंकि अपन देख लिया कि किसके अंदर अपन को किस तरह का कर्व देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अपने यहाँ पे इसके टाइप्स देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे, जिसके अंदर अपन को अलग अलग कर्व्स देखने को मिल रहे थे। ओके, तो यहाँ पर डिफॉर्मिटी देख के भी अपन पता लगा सकते हैं कि उसको कौन सा स्कोलियोसिस है, फिर उसके बाद अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है पेन इज ओकेजनली अ फीचर्स इन अडल्ट विथ अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ये है कि मान लो कोई पेशेंट है जिसको बहुत लंबे टाइम से उसको डिफॉर्मिटी है, तो उसके अंदर जो पेन होता है ना, वो कभी कभी होता है। यहाँ पर सिर्फ अडल्ट की बात हो रही है कि अडल्ट के अंदर किसी तरह की पहले डिफॉर्मिटी थी जो लंबे लंबे समय से चलती आ रही है, तो वहाँ पर जो पेशेंट है उसको कभी कभी पेन होगा। उसके बाद है यहाँ पर इन एस्पेक्टेशनल केस ऑफ सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग स्कोलियोसिस शार्प एंगुलेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओवर द एपेक्स ऑफ द कर्व में रिजल्ट्स इन इंटरफेरेंस विथ कर्व फंक्शंस लीडिंग टू अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है, मतलब जिसमें लंबे समय से स्पाइनल स्कोलियोसिस है। ओके, मतलब इसको लॉन्ग स्टैंडिंग स्कोलियोसिस है, मतलब लंबे टाइम से सीवियर स्कोलियोसिस है, तो वहाँ पर कर्व के एपेक्स पर, मतलब जो कर्व होता है उसके एपेक्स पर स्पाइनल कॉर्ड के शार्प एंगुलेशन के कारण, जो शार्प एंगुलेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उस कारण से वहाँ पर जो कॉर्ड के फंक्शंस होते हैं ना, वो इंटरफेयर होंगे। ठीक है, तो जिस कारण से यहाँ पर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अपन को देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग स्कोलियोसिस के बारे में बात हो रही थी।
और यहाँ पे अपन ने देखा था इसके अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग डिफॉर्मिटी है, मतलब यहाँ पे कुछ सीवियर नहीं है मतलब, लेकिन वो लॉन्ग टाइम से चली आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर अपन क्या देखेंगे, फॉर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ स्कोलियोसिस अ फुल एंटीरियर पोस्टल एक्सरे ऑफ द स्पाइन इन स्पाइन एंड इरेक्ट पोजिशन पल्स पल्स अ लेटरल व्यू आर नेसेसरी। यहाँ पर ही सुपाइन है। ओके तो यहाँ पर ये यह है कि अपन को प्रॉपर असेसमेंट करना होगा स्कोलियोसिस का, ठीक है। उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्कोलियोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर अपन जो पेशेंट है उसको सुपाइन लाइन में एंड उसके इरेक्ट पोजीशन के अंदर उसका अपन एक्सरे करवाएंगे। वो एक्सरे करवाएंगे फुल एंटीरियर एंड पोस्टरियर व्यू के साथ, उसका एंटीरियर एंड पोस्टरियर एक्सरे करवाएंगे सुपाइन के अंदर स्पाइन का एंड इरेक्ट पोजीशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर पल्स लेटरल व्यू आर नेसेसरी, और जो लेटरल व्यू होते हैं ना वो यहाँ पर नेसेसरी होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर है सीवेरिटी ऑफ कर्व इज मेजर्ड बाय कॉप्स एंगल। तो इसका जो कर्व अपन ने देख रहा था कि यहाँ पे साइड में कर्व बन रहा था अलग अलग सब जगह पे, तो उसका कर्व की सिवेरिटी को चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर कॉप्स एंगल देखेंगे। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कॉप्स एंगल क्या होता है। एंगल बिटवीन द लाइन पासिंग थ्रू अ मार्जिन ऑफ द वर्टिब्रा एट द एंड ऑफ द कर्व। जो जो कर्व होता है ना उसके एंड पर जो वर्टिब्राज होती है ना उसके मार्जिन से एक लाइन पास की जाती है, ठीक है। बिटवीन द लाइन पासिंग थ्रू अ मार्जिन ऑफ द वर्टिब्रा एट द एंड ऑफ द कर्व, जो कर्व का एंड है ना उसके दोनों तरफ, अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। ओके ये यहाँ पर अपन ने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको जो यहाँ पर कॉप्स एंगल को बता रहा है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लाइन जा रही है, यहाँ पर मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रल वर्टिब्रा अबव एपेक्स, जो ये अपेक्स है इसके ऊपर वाली वर्टिब्रा के जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर टिल्ट हो रही है ना वहाँ से, और इसके अपेक्स नीचे की तरफ से बिलो अपेक्स मोस्ट टिल्ट वर्टिब्रा के लाइन ऐसे लाइन खींच जाएगी और 90 डिग्री पर यहाँ पर देखा जाएगा कॉप्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस तरह से कॉप्स एंगल को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है रेडियोलॉजिकली असेसमेंट रिगार्डिंग द लाइकलीहुड ऑफ प्रोसेस प्रोग्रेस ऑफ द कर्व कैन बी मेड बाय लुकिंग एट द इलियक एफोफाइसिस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कर्व के प्रोग्रेस की संभावना के बारे में, जो मतलब कर्व के प्रोग्रेस की जो भी संभावना है उसके बारे में रेडियोलॉजिकल असेसमेंट इलियक एफोफाइसिस के को देखकर किया जा सकता है। ओके इसका रेडियोलॉजिकल असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, जिसका अपन इलियक काइफोसिस है उसको देख कर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है इट फ्यूजेस विथ इलियक बोन एट मेच्योरिटी एंड इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड दस नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कर्व वर्सनिंग, दिस इज कॉल्ड रिसर्च साइन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यह जो मेजोरिटी होते हैं ना ये इलियक बोन के साथ फ्यूज होता है और ग्रोथ के पूरे होने मतलब ग्रोथ के पूरे होने के बारे में अपन को बताता है। ओके और इस तरह से कर्व के वर्स होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पर वो नहीं होती है, तो इसको अपन रिजर्व साइन कहते हैं। ओके तो यहाँ पर अपन रिजर्व साइन देख के, इलियक एफोफाइसिस देख के, कॉप्स एंगल देख के अपन इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। ओके तब यहाँ पर आता है कि स्कोलियोसिस का अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि जिसके जो ट्रीटमेंट है इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब स्कोलियोसिस का जो अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो तो इसका प्रिंसिपल यही है कि अपन जो कर्व है उसके बारे में पता लगा, किस कारण से हो रहा है उसके बारे में पता लगा है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू असिस द प्रोग्नोसिस ऑफ द कर्व, जो कर्व है उसका उसको अपन को असिस करना है, उसका प्रोग्नोसिस लेना है। इन टर्म टू टर्म्स ऑफ द विजिबल डिफॉर्मिटी इट इज़ लाइकली टू प्रोसीज्ड। ओके तो ये डिपेंड करता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है किस किस बात पे, द टाइप ऑफ द कर्व, जो कर्व है इसका टाइप क्या है। ओके उसके बाद जो एज एट ऑनसेट, जो उस टाइम जो ऑनसेट हुआ था उस टाइम की उसकी जो पेशेंट है उसकी एज क्या थी। उसके बाद द साइट ऑफ द कर्व, जो कर्व है उसके साइट क्या है। ओके एक तो टाइप, एक एज, और उसके बाद इसका साइट क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है इसके कंजेनाइटल कर्व्स प्रोग्रेस एट वेरिएबल रेट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्टिब्रल मालफॉर्मेशन, बट ओवरऑल दे ग्रो
फास्टर देन इडियोपैथिक कर्व। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कंजेनिटल कर्व्स है वो फास्टर होते हैं फास्टर देन इडियोपैथिक कर्व्स है। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कंजेनिटल कर्व्स होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं वेरिएबल रेट के साथ, और वो प्रोग्रेस करते रहते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि वर्टिब्रल मालपोशन का कौन सा टाइप है, वर्टिब्रल मालपोशन के टाइप पर वो डिपेंड करते हैं उसका वेरिएशन रेट किसका, कंजेनिटल कर्व्स का। ओके, और ये किससे होते हैं, ये फास्टर देन होते हैं इडियोपैथिक कर्व से। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोटिक कर्व प्रोग्रेस फास्टर, और जो इस तरह का जो कर्व होता है वो सबसे ज़्यादा फास्टर प्रोग्रेस करता है। इन जनरल यंगर्स द पेशेंट इज वर्स द प्रोग्नोसिस, और जितना छोटा वो पेशेंट होगा वो उतने ज़्यादा वर्स होगा उसका प्रोग्नोसिस। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे थोड़े से कर्व्स जो थोड़े के कर्व्स होते हैं वो प्रोसेस्ड टू वर्स डिफॉर्मिटी, और वर्स डिफॉर्मिटी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है एज सुन एज इट इज रियलाइज डेट अ कर्व इज लाइकली टू प्रोग्रेस एट रिजल्ट इन अगली डिफॉर्मिटी द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्पाइन इज फ्यूज। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब अपन को जब भी पता लगता है कि जो कर्व है अपन को जैसे रियलाइज होता है, जैसे अपन को रियलाइज होता है जो कर्व है वो प्रोग्रेस कर रहा है, और जब तक अपन को पता लगता है जब तक वो जो कर्व होता है ना वो अगली डिफॉर्मिटी के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, इस कारण से द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्पाइन इज फ्यूज्ड, और जो अफेक्टेड पार्ट है स्पाइन का वो फ्यूज हो जाता है इस जगह पर। द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल इज डेट अ स्ट्रेट स्टिफ स्पाइन इज बेटर देन द कर्व्ड फ्लेक्सिबल वन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि जो स्ट्रेंट एंड स्टिफ स्पाइन होती है ना वो ज़्यादा बेटर होती है कर्व्ड एंड फ्लेक्सिबल से, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि कर्व बॉडी जो कर्व हो जाता है ना स्पाइन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं, इससे ज़्यादा तो ये है कि वो स्टिफ स्पाइन बन जाए। उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टल कर्व इज नॉन ऑपरेटिव। तो अपन ने देखा था कि पोस्टल जो कर्व्स होते हैं ना तो इसका ट्रीटमेंट अपन नॉन ऑपरेटिव भी कर सकते हैं, मतलब अपन को जरूरत नहीं है यहाँ पर ऑपरेशन करवानी, किसके अंदर, पोस्टरल कर्व्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज फ्रॉम द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट अपन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज करवा के भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स अपन स्कोलियोसिस का। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रक्चरल कर्व्स ऑफ लेस देन 30 डिग्री, अगर जो प्रोस्टल कर्व है वो 30 डिग्री से कम होता है तो यहाँ पर एंड वेल बैलेंस्ड डबल कर्व्स कैन आल्सो भी सक्सेसफुली ट्रीट बाय नॉन ऑपरेटिव मेथड। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको अपन नॉन ऑपरेटिव मेथड के साथ भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है नॉन ऑपरेटिव मेथड, उसके बाद यहाँ पर आएगा कुछ ऑपरेटिव मेथड्स के बारे में भी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन ऑपरेटिव मेथड, मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब अपन बिना ऑपरेशन किए किस तरह से यहाँ पर ठीक कर सकते हैं स्कोलियोसिस के पेशेंट को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कंसिस्ट ऑफ एक्सरसाइज टू टोन अप द स्पाइनल मसल। तो अपन जो एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं और जो स्पाइन की जो मसल है उसका टोन बनाकर भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड उसको यहाँ पर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं स्पाइन के अंदर। तो इस तरह से अपन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, एक्सरसाइजेस करवाएंगे या और इसको सपोर्ट्स दे देंगे, स्पाइन को सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग सपोर्ट्स आर कॉमनली यूज्ड, कुछ यहाँ पर सपोर्ट्स दिए हुए हैं जिसके बारे में अपन देखते हैं। मिलवोकी बेयर्स, तो ये इस तरह से होता है, जो एक फीमेल है तो इसको यहाँ पे बेयर्स लगाया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से बेयर्स लगाएंगे, यहाँ पे इसके नेक पे भी लगाएंगे। ओके, और उस तरह से इसके जो स्पाइन है उसको अपन ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसके स्पाइन में जो कर्व हुआ है उसको ठीक है। उसके बाद एक और बेयर्स आता है, उसका नाम है बास्टोन बेयर्स। ओके, तो ये भी अपन लगा सकते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए। इट इज़ कॉस्मेटिकली मोर एक्सेप्टेबल। उसके बाद आता है रेजर्स टर्न बेकल कास्ट, तो ये कास्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, दिस इज अ बॉडी कास्ट, एक बॉडी कास्ट होता है विद द टर्न बेकल इन बिटवीन। टाइटनिंग ऑफ द टर्न बेकल स्ट्रेट्स द कर्व साइड ऑफ द कर्व दस करेक्ट द डिफॉर्मिटी। तो ये थोड़ा टाइट अपन इसको लगाते हैं जिससे जो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये एक तरह का कास्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है लोकलाइज
लोकलाइजर कास्ट, एक लोकलाइजर कास्ट भी होता है, दिस इज अ बॉडी कास्ट, एक बॉडी कास्ट होता है जिसको अप्लाई करते हैं विथ अ स्पैन इन ट्रेक्शन, मतलब स्पैन को थोड़ा ट्रेक्शन में रखते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं उसके ऊपर ट्रेक्शन के साथ। अ स्पेशल लोकलाइजर टेबल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, एक स्पेशल टेबल होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, लोकलाइजर कास्ट के लिए। तो ये होते हैं इसके नॉन ऑपरेटिव मेथड्स। तो यहाँ पर आते हैं ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर। ऑपरेटिव मेथड्स कंप्राइज ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पाइन, द कंजेनाइटल स्कोलियोसिस सिंपल फ्यूजन इज सफिशेंट, इन इडियोपैथिक स्कोलियोसिस द स्पाइन इज फ्यूज्ड आफ्टर अचीविंग मोर करेक्शन बाय स्ट्रेंडिंग द स्पाइन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस होता है ना, उसका ट्रीटमेंट अपन यहाँ पर ऑपरेशन के साथ कर सकते हैं कि सिंपल फ्यूजन कर दिया, इतना काफ़ी है इसके लिए। ऑपरेटिव मेथड कंप्राइज ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पाइन, ओके, फ्यूजन करके। उसके बाद यहाँ पर इडियोपैथिक स्कोलियोसिस के बारे में लिखा हुआ है जो कि अपन ने पढ़ा था आगे टैब्स के अंदर। द स्पाइन इज फ्यूज्ड आफ्टर अचीविंग सब करेक्शन, तो कुछ करेक्शन करने के बाद अपन इसको फ्यूज कर देते हैं इसकी स्पाइन को बाय स्ट्रेचिंग द स्पाइन, स्पाइन को स्ट्रेच करके। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रेचिंग कुड बी डन, तो अपन स्ट्रेचिंग जो होती है ना उसको डन करते हैं, उसको करते हैं प्री ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन के पहले अपन करते हैं, किसके साथ करते हैं, बाय ट्रेक्शन लोकलाइजर कास्ट के साथ एंड हेलो पेल्विस डिस्ट्रेक्शन सिस्टम के साथ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इट कुड बी अचीव्ड प्री ऑपरेटिवली बाय, अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं अपन प्री ऑपरेटिव बाय किस तरह से, हेलिक स्टोन्स डिस्ट्रक्शन सिस्टम के साथ, ड्यूवर्स कंप्रेशन असेंबली के साथ एंड ल्यूवी हार्टसिल सिस्टम के साथ, हार्ट सिल सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये होते हैं इसके कुछ ऑपरेटिव मेथड्स। तो आज अपन ने यहाँ पर पढ़ा स्कोलियोसिस के बारे में कि स्कोलियोसिस क्या होता है। तो स्कोलियोसिस के अंदर एक साइड वे कर्वेचर बन जाते हैं स्पाइन के अंदर, तो अपन इसके क्लासिफिकेशन देखे कि किस किस तरह से हो सकता है, उसके बाद अपन इसकी पैथोलॉजी देखी, डायग्नोसिस देखा, यानी लास्ट में इसका देखा कि अपन इसका स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।